नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं भरत कोठियाल। प्रदेश में पीड़ितों को न्याय के लिए पुलिस चौकियां बनाई गई हैं, लेकिन वर्तमान समय में थानों में न्याय मिलता नहीं दिख रहा है। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले की, जहां बांसी कोतवाली क्षेत्र के मुरवापुर गांव में दलित महिला विंद्रावती का आरोप है कि उसे और उसके पति को जमीनी विवाद में दबंगों ने लोहे की रॉड और लाठी डंडों से मारा है। दोनों गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में चल रहा है। घटना के बाद उसने मुकामी थाने में नामजद लिखित तहरीर दी है। वहीं 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस ने उसका मुकदमा नहीं लिखा है। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा है कि घटना से पहले भी दबंगों की शिकायत की थी और सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन तब भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं मारपीट में घायल पति ने बताया कि घटना के बाद वो इलाज के लिए बांसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो वहां के डॉक्टरों ने पुलिस केस जानकर पीड़ितों का इलाज करने से मना कर दिया। घंटों इंतजार करने के बाद पीड़ित किसी तरह से जिला अस्पताल पहुंचकर इलाज करवा रहे हैं और अपनी बात मीडिया के सामने भी रख रहे हैं। अपने विभागीय साथी पीड़ित महिला सफाईकर्मी को देखने पहुंचे सफाई कर्मियों के जिलाध्यक्ष ने कहा कि अगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की तो उनका संगठन आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वहीं इस मामले में जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। आरोप सही पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ सर ये हुआ कि वो लोग हम गए थाने पर से दरखास्त दे के आए, उसके बाद गाड़ी से उतरे नहीं पाए, तभी सब लोग सरिया से डंडा से ईटा से सब लोग मारने लगे। हमको भी मारा, हमारे पति को मारा, बच्चों की भी मारा। क्या करती हैं आप? सफाई कर्मी। कौन लोग मारे हैं? शिवपाल सनाब बाप का नाम जोखू। तो थाने में गए थे आप? थाने पे गए थे, थाने पे कोई सुनवाई नहीं हुआ। किस लिए मारपीट हुई है? वो जमीन अपाना जोड़ाते थे, उसी के लिए मारपीट की। उनको जमीन भी नहीं जोड़ाते थे, अपाना जमीन जोड़ाते थे उसमें। सर हमारे साथ यही हुआ है कि हम अपना मकान जड़वा रहे थे और उसके बाद में श्रीपाल का जो है लड़की उसका औरत और राजकुमार का औरत उसका लड़का दो और हमको मारे पीटे। किस लिए? सरिया से लाठी से। थाने गए थे? थाने से सर गए थे, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ। वहाँ डॉक्टर कहे कि जो है कि वहाँ से रिपोर्ट लेके आइए थाने पर से, तब हम इलाज करेंगे। डॉक्टर ने भी कहा? डॉक्टर भी कोई सुनवाई नहीं किया। कोतवाल साहब कह रहे थे कि जो है हम क्या करें क्या नहीं करें, और डॉक्टर फिर रेफर कर दिए लवड़ के लिए। क्या कहेंगे इस पर आप? सर आज ये पहला घटना नहीं, इस तरह की कई घटनाएं हुई है, लेकिन जो इस तरह का बांसी ब्लॉक में इनका मूलतः रहने वाली है, जोगिया ब्लॉक में पोस्ट है, दबंगों द्वारा इस तरह से इनको मारा पीटा गया, मार करके इनका सर फोड़ दिया गया है। अगर सर जल्दी से उन अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो संगठन आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इसमें थाना बासी में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसकी जो विवेचना है वो क्षेत्राधिकारी बासी कर रहे हैं। जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे उसका निष्पक्ष और गुणदोष के आधार पर इस पर कार्रवाई की जाएगी, और जो संबंधित जो इसमें अभियुक्त हैं उनकी संलिप्तता इसमें मिलती है, उनका दोष इसमें निर्धारित होता है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें समाचार इंडिया के साथ। खबर से लेकर असर तक नमस्कार।